Hello everyone, welcome on Arav Education Point, and today in this video we will continue 10th class 6th poem Amanda. This poem is written by Robin Klein. Robin Klein एक Australian author है and ये अपनी children books के लिए काफ़ी famous है. She wrote on children and adult fiction. This poem is about a child who feels that he or she is controlled and instructed not to do one thing or another. बच्चे एक child based पोएम है ये भी, और यहाँ पर बच्चा जो है फील करता है कि उसे बार बार कंट्रोल किया जा रहा है या उसे आदेश दिया जा रहा है कि ये मत करो वो मत करो. एंड द चाइल्ड फील्स दैट हर फ्रीडम इज बीइंग कर्टेल, उसकी फ्रीडम को कम किया जा रहा है. एंड हियर इन दिस पोएम द पोएटस रोबिन क्लेन एक्सप्रेसेस द व्यूज ऑफ ए स्मॉल गर्ल अमांडा अबाउट लिबर्टी एंड लाइफ. And the girl react to the restrictions imposed upon her by her parents is very interesting. और बहुत ही interesting way में इस poem को poetess ने compose किया है. एक बच्चे की complaint है अपने parents के प्रति, उसको इसमें दिखाया है in a interesting way and in a very clear way. So in this poem, the small girl named Amanda wish to be free in her life. She is instructed not to bite her nails and not to hunch her shoulders. So here we will read the poem line by line with word meanings, and after that we will discuss its literary devices and important questions of the poem. So let's proceed further. Our first stanza is, don't bite your nails, Amanda. Don't hunch your shoulders, Amanda. Stop that slouching and sit up straight, Amanda. Here, hunch means bend. बैंड मीन्स जैसे झुक के बैठना. स्लाउचिंग मीन सीटिंग इन ए लेजी वे, यानी विदाउट एनर्जी, ऐसे ही हंच की फॉर्मेशन में बैठना. सो यहाँ पर स्पीकर जो है वो अमांडा की मदर है. हम ऐसा मान के चलेंगे कि अमांडा की मदर उसे एडवाइस करती हैं, डोंट बाइट योर नेल्स, अपने नाखूनों को मत चबाओ. डोंट हंच योर शोल्जर्स, कि अपने जो कंधे हैं इनको झुकाकर मत बैठो. स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमांडा. इसके साथ ही मदर कहती हैं कि ये स्लाउचिंग करना मीन्स ऐसे अनएनर्जेटिक होकर मत बैठो, सीट प्रॉपरली यानी स्ट्रेट होकर के बैठो अमांडा. नेक्स्ट यहाँ पर अमांडा की मदर उसे एडवाइस करती हैं नेल्स ना काटने के लिए कहती हैं. इसके साथ ही वो उसे कहती हैं कि स्ट्रेट बैठो विदाउट बेंडिंग हर शोल्डर्स, बिकॉज यहाँ पर उसकी मदर वांट्स हर टू बी ए गुड मैनर गर्ल. सी अमांडाज रिएक्शन एट दिस. देर इज ए लैंग्वेड एमराल्ड सी विद सोल इनहैबिटेंट इज मी अ मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली. लैंग्वेड होता है रिलैक्स्ड पीसफुल सन. इनहैबिटेंट होता है ज्वेलर या रेजिडेंट या निवासी कहते कह सकते हैं. एमराल्ड हेयर ग्रीन कलर से बिलोंग करता है. नेक्स्ट वन इज ड्रिफ्टिंग, मूविंग स्लोली विद द वाटर ब्लीसफुली हैप्पीली. अब जो है अमांडा इमेजिनेशन में है, अपने इमेजिनरी वर्ल्ड में है, और वो सोच रही है. वो अपनी मदर की बातों को अवॉइड करते हुए अपने ही सपनों में खोई हुई है, और वो सोचती है देर इज ए लैंग्वेड एमराल्ड सी, कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा शांत पीसफुल और ग्रीन कलर का समुद्र है, और उस समुद्र के अंदर मैं अकेली सोल सोल मीन होता अकेली इनहैबिटेंट हूँ, निवासी हूँ. किस रूप में हूँ? अ मरमेड. मरमेड एक इमेजिनरी करेक्टर है फेयरी टेल का, जो कि नीचे से उसकी पोजीशन फिश लाइक होती है, ऊपर से ह्यूमन बींग जैसी होती है, जिसे हम जलपरी भी कहते हैं. तो वो अपने आप को इमेजिनेशन में क्या मानती है? जलपरी मानती है, और सोचती है कि समुद्र के अंदर मैं अकेली हूँ ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, और धीरे धीरे मूविंग कर रही हूँ खुश होकर के ब्लिसफुली, यानी कि हैप्पीली उस समुद्र में मैं रहती हूँ. सो हेयर अमांडा इमेजिन्स हरसेल्फ लाइक अ मरमेड एंड सी बिहेव्स लाइक अ डे ड्रीमर्स एंड अवॉइड्स हर मदर एडवाइस एंड सी वांट्स टू बी मरमेड हु ड्वेल्स लोनली इन अ ब्यूटिफुल ग्रीन सी एंड वांट्स टू बी कैरिड अवे विद हर विद द करंट ऑफ द वाटर. So we can relate Amanda to every child of this age group, and all these children does not like any type of foundation and want to be free in every way just like Amanda. कि Amanda की तरह हर बच्चा free रहना चाहता है, किसी तरह के foundation को नहीं मानना चाहता.
In other way, we can say that Amanda is totally fed up with her present situation and wants to be lead a free life in a mermaid, like a mermaid, where there is no one who controls her desire. कि वो एक मर्मेड की तरह अपनी ज़िंदगी को फ्रीली इंजॉय करना चाहती हैं और जो सिचुएशन या जिस वर्ल्ड में वो रह रही है उससे वो काफ़ी फेडअप हो गई है. मीन्स वो अपने पेरेंट्स से नहीं चाहती कि वो उसकी डिजायर्स को कंट्रोल करें. ऐसे ही हर बच्चा नहीं चाहता कि उसके पेरेंट्स उसके ऊपर अपना कंट्रोल रखें. लेट्स सी फर्दर. डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा? डिड यू टीडी योर रूम अमांडा? आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज अमांडा. अब अगेन उसकी मदर जो है उसे कुछ सर्टेन एक्टिविटीज़ करने के लिए कहती है और पूछती है कि क्या उसने वो सारे काम कर लिए. यहाँ पर टीडी मीन्स क्लीन होता है, साफ करना. वो मदर पूछती है कि क्या आपने अपना होमवर्क कर लिया अमांडा? एंड डिड यू टीडी योर रूम? क्या आपने अपना रूम यानी कि कमरा साफ कर लिया है अमांडा? इसके साथ ही वो ये भी पूछती है कि मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें पहले ही कह दिया है कि तुम अपने जूते साफ कर लो. अब जो है जर्नली जैसा मदर करती है वैसा ही अमांडा की मदर भी उसे चाहती हैं कि वो एक गुड मैनर्ड पर्सन की तरह अपनी हर चीज़ को साफ़ सुथरा रखे और हर काम को टाइमली करते रहें. बट अमांडा अगेन यहाँ पर क्या रिएक्शन करती हैं, लेट्स सी. आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट. I patron soft dust with my hurst bare feet. The silence is golden, the freedom is sweet. अब यहाँ पर orphan होता है a children whose parents has died. एक बच्चा जिसके parents मर चुके हैं. Roaming होता है wandering, ऐसे ही घूमना. And patron होता है designs बनाना. Hurst means silent, शांत. Bare feet means shoeless, नंगे पांव. अब अमांडा जो है इमेजिन करती है अपने आप को और सोचती है कि मैं एक ऑर्फन हूँ, एक अनाथ हूँ, मींस जिसके पेरेंट्स नहीं हैं और ऐसे ही स्ट्रीट्स में घूम रही हूँ. क्या करते हुए? सॉफ्ट डस्ट, उस धूल के ऊपर पैटर्न्स को चुपचाप डिजाइन करते हुए अपने नंगे पैरों से. द साइलेंस इज गोल्डन. और इसके साथ ही वो सोचती है कि ये जो साइलेंस है ये कितनी अमूल्य है, कितनी प्रीसियस है, लाइक गोल्डन. और वो कहती है ये फ्रीडम बहुत ही स्वीट है, मीठी है, लाइक अ स्वीट, एक मिठाई की तरह बहुत अच्छा फील उसे होता है फ्री होकर के. मींस यहाँ पर अगेन अमांडा जो है इमेजिनेशन में है और वो नहीं चाहती कि उसके पेरेंट्स उसके डिजायर्स को कंट्रोल करें और वो किसी तरह से भी कंट्रोल्ड लाइफ को लीड नहीं करना चाहती और अपने आप को एक ऑर्फन के रूप में देखती है और वो उसको बहुत ही अच्छा भी मानती. ऑन द अदर वे वी कैन से दैट Here Amanda is thinking totally opposite to her mother. कि अपनी मदर से वो टोटली अपोजिट सोच रही है क्योंकि उसकी मदर तो चाहती है टू कीप एवरीथिंग नीट एंड क्लीन, हर चीज़ जो है नीट एंड क्लीन हो. बट अमांडा यहाँ पर प्ले करना चाहती है डस्ट के अंदर बेयर फीट में से. सो सी इज वी कैन से दैट टोटली फेड अप विद द कॉन्स्टेंट स्कोल्डिंग ऑफ हर मदर. That she says that silence, इसी वजह से वो कहती है कि साइलेंस गोल्डन है, मीन्स वेरी प्रीसियस है. कि वो नहीं चाहती कि उसकी माँ उसे कभी भी कुछ कहे, वो हमेशा शांत रहना चाहती है. इसके अलावा फर्दर वो कहती है फ्रीडम इज स्वीट. फ्रीडम भी क्या है, स्वीट है. मीन्स वो नहीं चाहती कि उसकी मदर जो है उसके साथ रहे या अपनी मदर के साथ ही वो नहीं रहना चाहती है. इतनी फेडअप हो गई है प्रेजेंट वर्ल्ड से, जस्ट लाइक every other children of the world. And let's see further. Don't eat that chocolate Amanda. Remember your acne Amanda. Will you please look at me when I'm speaking to you Amanda. अब अगेन उसकी मदर उसे कुछ ना करने की एडवाइस करती है, मीन्स उसे फॉरवर्ड करती है कुछ ऐसी आदतें जो वो नहीं चाहती कि उसके बच्चे में हो. और यहाँ पर वो कहती है कि चॉकलेट्स मत खाओ और याद रखो कि चॉकलेट खाने से तुम्हें एक्ने होते हैं. एक्ने मीन्स पिंपल्स हो जाते हैं जो तुम्हारे लिए नुकसानदायक हैं. इसके साथ ही मदर ये देखती है कि अमांडा उसकी बात को केयरफुली लिसन नहीं कर रही है, तो वो कहती है कि मेरी तरफ देखो, मैं तुमसे बात कर रही हूँ. मीन्स मदर को कहीं ना कहीं फील होता है कि अमांडा उसे अवॉइड कर रही है. एंड लेट्स सी व्हाट्स द रिएक्शन ऑफ द अमांडा एट दिस. I am Rupanjal. I have no care. Life in a tower is tranquil and rare. I will certainly never let down my bright hair. So यहाँ पर Rapunzel एक again imaginary character है fairy tale से, जिसे हम
प्री कहते हैं। और यहाँ पर एक स्टोरी को रिलेट करना चाहूँगी मैं पहले। रैपुंजल वो अपने आप को क्यों मानती है, क्योंकि एक रैपुंजल प्री होती है जिसे एक जादूगरनी एक विच ने क्या कर लिया, बंदी बना लिया है और उसके एक बहुत बड़े टावर के अंदर उसे कैद कर दिया है। अब जो है रैपुंजल के बाल बहुत ही लंबे होते हैं और वो विंडो से उन बाल को अपने हेयर्स को नीचे की तरफ लेट डाउन करती है और वहाँ से जब एक राजकुमार गुजर रहा होता है जो उससे प्रेम करता है वो उन हेयर्स को देखता है और उनकी मदद से उसे टावर के अंदर आ जाता है और उसको वहाँ से फ्री करवा लेता है। सो यहाँ पर अमांडा अपने आप को एक रैपुंजल मानती है और वो कहती है कि मैं क्या हूँ, रैपुंजल हूँ, जहाँ जिसको एक कैद कर दिया है एक टावर के अंदर। और वो कहती है कि जो ट्रैंक्वल है, पीसफुल है, शांत है एंड रेयर है, अनकॉमन है। मींस वहाँ पर लाइफ थोड़ी सी अनकॉमन हो गई है, मींस सारी सुख सुविधाएं नहीं मिलती हैं, बट आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर। बट इसके साथ ही वो ऐड करती है कि मैं अगर वहाँ पर ट्रैंक्वल टावर के अंदर कैद हो जाती हूँ तो मैं रैपुंजल की तरह अपने हेयर्स को नीचे की तरफ लेट डाउन नहीं करूँगी। मीन्स वो वहाँ से फ्री नहीं होना चाहेगी, वो उस ट्रैंक्वल शांत लाइफ को लीड करना चाहती है। सो अगेन हम यहाँ पर एट दिस मोमेंट अमांडा जो है अपने आप को रैपुंजल मानती है, बट रैपुंजल की तो वहाँ से फ्री हो जाती है जिसको एक राजकुमार ने फ्री करवा लिया है, बट अमांडा अपनी विश जाहिर करती है कि वो वहाँ से फ्री नहीं होना चाहेगी क्योंकि जो टावर की जो लाइफ है वो काफ़ी पीसफुल उसे लगती है और वो उसी इन्वायरमेंट को चाहती है। सो इन अदर वे वी कैन से दैट अमांडा जो का कैरेक्टर है वो हर चिल्ड्रन का कैरेक्टर है और हर बच्चा जो है एक पीसफुल लाइफ को लीड करना चाहता है और अपने इमेजिनरी वर्ल्ड में रहना चाहता है। यही पोर्टस हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर। लेट्स सी फर्दर। स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमांडा, यू आर ऑलवेज सो मूडी अमांडा, एनीवन वुड थिंक दैट आई नेग्ड एट यू अमांडा। सल्किंग मीन है बी इन अ बैड मूड या इंडिफरेंट, उदासीन। मूडी मीन अनस्टेबल, नेग्ड, स्कोल्ड, डांटना। सो यहाँ पर मदर अमांडा को कहती है कि इस तरीके से सल्क करना छोड़ दे। सल्क मीन बैड मूड में या इनडिफरेंट, जो तुम्हारा नेचर हो गया है उसे छोड़ दे। एंड यू आर ऑलवेज सो मूडी, और तुम बहुत मूडी होती जा रही हो, मीन्स तुम्हारा बिहेवियर अनस्टेबल है, तुम कभी किसी की कुछ सुनते नहीं हो। इसके साथ ही वो कहती है एनीवन वुड थिंक दैट आई नेग्ड एट यू, कि हर कोई ये बात सोचेगा कि मैं हमेशा ही तुम्हें डांटती रहती हूँ। ऐसा है नहीं, क्योंकि मदर उसे केवल एडवाइस करती है कि ये मत करो, ऐसा तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, क्योंकि वो अपने चाइल्ड को एक गुड मैनर्ड पर्सन की तरह ट्रीट करना सिखाना चाहती है। बट अमांडा उसकी तरफ कोई अटेंशन पे नहीं करती है, तो उस मदर को ऐसा फील होता है कि वो हर किसी को ऐसा लगेगा जैसे मैं अमांडा को बहुत ज़्यादा परेशान करती हूँ। सो यहाँ पर मदर अमांडा को स्मॉल थिंग्स पर पॉइंट आउट करती है और अमांडा जो है उसकी तरफ अटेंशन पे नहीं करती है, जस्ट लाइक एवरी चिल्ड्रन। सो इन द लास्ट वी कैन से दैट हियर पोएटस वांट्स टू ड्रा अवर अटेंशन टुवर्ड्स द अपब्रिंगिंग ऑफ अ स्मॉल चाइल्ड एंड द कन्फ्लिक्ट्स ऑफ अ मदर बोथ। सो यहाँ पर वो जो बच्चा फेस करता है स्ट्रगल को, उसको हाईलाइट करती है। इसके साथ ही पोएटस ये भी चाहती है कि बच्चे की जो फ्रीडम है उसे हमें कभी भी कर्टेल नहीं करना चाहिए, उसे फ्रीली छोड़ देना चाहिए अपने संसार के अंदर। नाउ वी विल डिस्कस सम लिटरेरी डिवाइसेज ऑफ द पोएम। फर्स्ट वन इज राइम्स की। इन स्टैंजा फर्स्ट लाइन लास्ट वर्ड इज अमांडा, सो वी विल गिव इट ए। अगेन सेकेंड लाइन लास्ट वर्ड इज अमांडा, सो इट इज राइमिंग विद फर्स्ट वर्ड, सो इट इज ए। एंड नेक्स्ट वन इज स्ट्रेट, इट इज बी। एंड नेक्स्ट वन इज अमांडा, सो इट इज अगेन ए। सो राइम स्कीम हमारी हुई ए ए बी ए। ये ही सेम राइम स्कीम हमारी थर्ड, फिफ्थ एंड सेवन्थ स्टैंजा में फॉलो की जाएगी। लेट्स सी सेकेंड स्टैंजा। सेकेंड स्टैंजा एंड होता है सी से, सो इट इज सी। एंड नेक्स्ट जो है, मी को भी हम सेम राइमिंग वर्ड है सी का, सो इट इज सी। एंड नेक्स्ट वन इज ब्लीसफुली, ब्लीसफुली भी राइमिंग वर्ड है, सो इट इज अगेन सी। सो हमारी सेकेंड स्टैंजा की राइम स्कीम हुई सी सी सी। सेम राइम स्कीम फॉलो की जाएगी सेकेंड स्टैंजा नंबर 4 and 6 में। एंड अगेन नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइस है एनाफोरा। एनाफोरा होता है रिपीटेड यूज ऑफ ए वर्ड एट द स्टार्टिंग ऑफ टू आर मोर देन टू लाइन्स। सो इन अवर फर्स्ट स्टैंजा
डोंट बाइट योर नेल्स एंड इन सेकेंड लाइन डोंट हंच योर सोल्जर. सो यहाँ पर डोंट वर्ड बार बार यूज हुआ है, सो इट इज एनाफोरा. एंड इन द थर्ड स्टेंजा डिड यू फिनिश एंड फर्स्ट लाइन डिड यू फिनिश है एंड सेकेंड लाइन है डिड यू टीडी. सो यहाँ पर डिड वर्ड को बार बार रिपीट किया गया है, सो इट इज एनाफोरा. नेक्स्ट जो राइम स्कीम है वो रेपिटेशन है. रेपिटेशन में क्या होता है, यूज ऑफ सेम वर्ड इन ए लाइन, एक ही लाइन के अंदर सेम वर्ड का यूज कहलाना रेपिटेशन कहलाता है, या फिर एंड ऑफ द लाइन्स भी होता है. सो यहाँ पर अमांडा वर्ड फर्स्ट थर्ड फिफ्थ एंड सेवन्थ स्टेंजा में बार बार रिपीट हुआ है, सो इट इज रेपिटेशन. नेक्स्ट वन इज मेटाफर. मेटाफर होता है इनडायरेक्ट कंपेरिजन ऑफ टू डिफरेंट थिंग्स, मतलब दो डिफरेंट थिंग्स का हम इनडायरेक्ट कंपेरिजन करते हैं. इन फोर्थ स्टेंजा लास्ट लाइन कहा गया है द साइलेंस इज गोल्डन. सो यहाँ पर साइलेंस को कंपेयर किया गया है गोल्डन के साथ, मीन साइलेंस उसके लिए इतनी वैल्यूएबल है, ग्लोरियस है जितना गोल्डन होता है, सो इट इज मेटाफर. नेक्स्ट इसी लाइन में कहा गया है द फ्रीडम इज स्वीट. सो यहाँ पर फ्रीडम को कंपेयर किया गया है स्वीट के साथ, मीन्स अमांडा के लिए फ्रीडम उतनी ही स्वीट है जितनी कोई स्वीट यानी मिठाई टेस्टी होती है, सो इट इज अगेन मेटाफर. लास्ट लिटरेरी डिवाइस है एलिट्रेशन. एलिट्रेशन होता है सेम कॉन्सोनेंट साउंड का यूज करना एट द बिगनिंग ऑफ द वर्ड. सो यहाँ पर स्टेंजा नंबर सेवन्थ में स्टॉप दैट सल्किंग में एस साउंड को बार बार रिपीट किया गया है, सो इट इज एलिट्रेशन. नाउ वी विल डिस्कस सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द पोएम. आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डज अमांडा इज सीन बिहेविंग व्हेन द पोएम स्टार्ट्स एंड व्हाट डज द स्पीकर आस्क हर नॉट टू डू. And next question is, what three things did the speaker ask Amanda to do which she has not done? And next one is, how does Amanda describe her life as an orphan? And next one is, what does Amanda say, I am Rupanjal? What does she promise not to do? And last question is, what is the central idea of the poem? And this poem ends here. If you like this video, then please share and subscribe the channel and please hit the like button and do comment in the comment box. देखते रहिए, बने रहिए और समझते रहिए.